नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद वेस। हल्द्वानी के महिला अस्पताल में आशा वर्करों का धरना दूसरे दिन भी जारी रहा, जहां उन्होंने सरकार से उनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा और न्यूनतम 21,000 वेतन दिए जाने की मांग की। उनका कहना है कि जब तक 21,000 का वेतनमान और सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं मिलता, तब तक आशाओं का भी आंगनबाड़ी जैसी अन्य स्कीम वर्कर की तरह मासिक मानदेय तय किया जाए। आशाओं का सेवानिवृत्त होने पर पेंशन का प्रावधान करने समेत 12 सूत्री मांगों पर अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार दूसरे दिन भी जारी रहा। धरने पर बैठी आशाओं का कहना है कि कोरोना काल में आशाओं को उचित मात्रा में सेफ्टी किट नहीं दिए गए थे, फिर भी उन्होंने जान को जोखिम में डालकर कोरोना में ड्यूटी की और उनके परिवार कोरोना से पीड़ित भी हुए। गौरतलब है कि एक्ट 2 से संबंधित उत्तराखंड आशा हेल्थ वर्कर्स यूनियन और C2 से संबंध उत्तराखंड आशा स्वास्थ्य कार्यकर्ता यूनियन के संयुक्त आह्वान पर पूरे राज्य की आशाएं 2 अगस्त से बेमियादी कार्य बहिष्कार पर चली गई हैं। सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी तो हम इससे आगे की रणनीति बनाएंगे, सीधे देहरादून कूच करेंगे और मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, उसके बाद नहीं सुना तो हम प्रधानमंत्री से मिलेंगे, लेकिन हमारा आंदोलन अब रुकने वाला नहीं है। ये हमको सिर्फ वेतन मान चाहिए, पूरा 21,000 रुपए वेतन मान चाहिए महीने का, इसीलिए हम ये लड़ाई कर रहे हैं। और अगर ये लड़ाई हमारी पूरी नहीं हुई तो हम आगे भी आंदोलन करेंगे। हमारा 21,000 मानदेय कर दिया जाए, जिस तरीके से हमारी ये लड़ाई है, हमारी बहनें बैठी हुई हैं, हमारा इसीलिए सरकार से लड़ाई है इसी बात की कि हमारी मांगों को पूरा करा जाए। और अगर हमारा अगर ये मानदेय पूरा अगर नहीं कराया गया तो हम अपनी ये लड़ाई आगे तक जारी रखेंगे। तो आशा वर्कर्स से जुड़ी इस खबर में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए जेजेएन न्यूज। नमस्कार।